हेलो एवरीवन, आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमने 18 चैप्टर का छोड़ा था, इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल रूल्स एंड स्कीम की प्रमुख लाभकारी नियम व योजनाएं। द वेरियस स्कीम्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एज आर एस फॉलोज। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएँ जो हैं वो चलाई जा रही हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेल्प ऑन एक्सीडेंटल डेथ की दुर्घटना मृत्यु पर कौन सी सहायता जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट देती है। तो असिस्टेंस हेल्प ऑफ 5 लाख इज प्रोवाइडेड ऑन द डेथ ऑफ द रजिस्टर्ड वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की जो सहायता है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। सेकेंड अगर हम देखें तो मेडिकल ग्रांट रिलीफ फंड है, चिकित्सा अनुदान राशि योजना, इसके अंदर जो हम पढ़ें कि 1 लाख असिस्टेंस एड जो है इस प्रोवाइडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड वर्कर। पंजीकृत श्रमिकों को इलाज के लिए 1 लाख रुपए की राशि सहायता दी जाती है। थर्ड अगर हम देखें स्कॉलरशिप फॉर टू चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 रजिस्टर्ड वर्कर, यानी जो इस योजना के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। 1000 rupees फॉर बॉयज़ एंड 1500 स्कॉलरशिप टू द गर्ल्स स्टूडेंट। सो स्कॉलरशिप ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर 9th to 12th इज अप टू 2000 फॉर द बॉयज़ एंड 2400 टू द गर्ल स्टूडेंट। एट द ग्रेजुएशन लेवल द बॉय स्टूडेंट गेट्स 4000 एंड द गर्ल्स स्टूडेंट 6000। एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल 6000 टू द मेल स्टूडेंट एंड 8000 फॉर द फीमेल स्टूडेंट हैज़ बीन गिवन इम्प्लीमेंटेड। पंजीकृत श्रमिकों के कक्षा 6 से 8 तक के जो छात्र हैं उनके लिए 1000 रुपये हैं, छात्रा को 1500 रुपये छात्रवृत्ति राशि दी जाती है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र को 2000 और छात्रा को 2400 रुपये दी जाते हैं। छात्रवृत्ति अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे अगर हम बात करें, स्नातक स्तर की हम बात करें, तो छात्रों को 4000 रुपये और छात्राओं को जो है 5000 रुपये दी जाते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो मेल जो स्टूडेंट्स हैं जो लड़के हैं उनको 6000 और लड़कियों को 8000 रुपये जो है वो छात्रवृत्ति देने की योजना यहाँ पे लागू की गई है। मैटरनिटी रिलीफ स्कीम्स जो हैं उसमें हम बात करें तो यह है प्रसूता सहायता योजना। इन द वुमेन वेलफेयर स्कीम फॉर ईच ऑफ द 2 deliveries एंड 8 of 6000 इज बीइंग प्रोवाइडेड। महिला हितकारी योजना में 2 प्रसव के लिए प्रति प्रसव 6000 रुपये प्रसूति सहायता की राशि दी जाती है। फिफ्थ अगर हम देखें राजस्थान विश्वकर्मा नॉन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कंट्रीब्यूटरी स्कीम, यानी राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना जो है वो भी चालू की गई है, जिसमें कि कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट्स आर गिवन फॉर द लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड वर्कर्स की पंजीकृत श्रमिकों के जीवन सुरक्षा के लिए अंशदायी पेंशन लाभ भी यहाँ पे दिया जाता है। सिक्स अगर हम बात करें द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 मातृत्व लाभ अधिनियम जो है 1961 लगाया गया है। रजिस्टर्ड वुमन लेबरर्स हैव द राइट टू अवेल 6 weeks वेजेस एंड लीव बिफोर चिल्ड्रन बर्थ एंड 6 weeks ऑफ वेजेस एंड लीव आफ्टर बर्थ, यानी पंजीकृत महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म से पूर्व 6 सप्ताह और जन्म के बाद 6 सप्ताह का मजदूरी सहित अवकाश जो है देने या पाने का अधिकार दिया गया है। सेवन्थ अगर हम देखें स्टेट इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम इज बीइंग रन ऑन द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य बीमा व कर्मचारी भविष्य निधि योजना भी चलाई जा रही है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है वो 2006 भी लागू किया गया है। बॉयज अंडर 21 years ऑफ एज एंड गर्ल्स मैरिंग अंडर 18 years आर नोन एज चाइल्ड मैरिज। इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज, बोथ द पेरेंट्स कैन बी गिवन स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 1 lakh फाइन और बोथ। 21 वर्ष से कम आयु का लड़का तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह कहलाता है, ये दंडनीय अपराध है। नियमानुसार बाल विवाह करने पर माँ व बाप दोनों को जो है हम कहें कि 2 साल की कड़ी सज़ा या 1 लाख रुपये जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। एंटी कॉपिंग एक्ट नकल विरोधी कानून
अकॉर्डिंग टू राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 provision of punishment up to 3 years on the use of unfair means during the examination has been made criminal case is filed against the student and he she is expelled from the school. Rajasthan Sarvajanik Pariksha में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए अधिनियम जो है 1992 के अनुसार परीक्षाओं के दौरान नकल एवं अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर किसी भी छात्र या छात्रा को 3 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है. नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाता है और उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है. राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन फ्रीडम ऑफ स्पीच टू एवरी सिटीजन. पीपल पे टैक्स सो द पब्लिक हैज़ द राइट टू नो वेदर द अमाउंट पेड बाय देम इज स्पेंट ऑन द राइट थिंग. हाउ quantity quality of work does the government have any accountability towards the people or not. The government official employees has to provide information when asked by any citizen of the country. It is the right of every citizen to get the information. It is the right to information. कि सूचना का अधिकार जो है इसमें हम बात करें कि भारत के संविधान ने हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है. जनता टैक्स देती है इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके द्वारा चुकाई गई रकम सही कामों पर खर्च हुई या नहीं. कामों की गुणवत्ता कैसी है. सरकार की जनता के प्रति पूरी जवाबदेही है या नहीं है. किसी भी नागरिक द्वारा मांगने पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा सूचना देनी होगी. यानी जो भी सूचना हम चाहते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हमें देंगे. सूचना जानकारी लेना नागरिकों का अधिकार है. यही जो है हम कहें कि राइट टू इंफॉर्मेशन है सूचना का अधिकार है. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. दिस लॉ वॉज पास्ड बाई लोकसभा ऑन जून 15, 2005 आफ्टर द प्रेजिडेंट अप्रूवल. This law came into effect on October 13, 2005 in the whole country. Under the Right to Information Act 2005, the following rights were given to the citizens of the country. Lok Sabha dwara yeh kanun 15 June ko jo hai 2005 ko parit hua. Aur hum kahein ki Rashtrapati ki manjuri ke baad yeh kanun pure desh mein 13 October 2005 ko lagu kar diya gaya. Suchna ke adhikar adhiniyam 2005 ke tahat desh ke nagrikon ko nimnalikhit adhikar jo hai wo diye gaye hain. पहला अगर हम पढ़ें एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ द स्टेट एज वेल एज एनी डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ द स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. हर नागरिक को यह अधिकार है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी विभाग अथवा कार्यालय से वह सूचना प्राप्त कर सकता है. दैट वी आर फ्री टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. Any citizen can see a document or recorded and can take a certified copy of the document. कोई भी नागरिक दस्तावेज या रिकॉर्ड देख सकता है और दस्तावेजों की प्रमाणित जो फोटोकॉपी होती है वो ले सकता है. He can also apply to see the work. वह कामों को भी देख सकता है कि काम किस तरह से किए जा रहे हैं. Sample of material used in work can be taken. काम में आने वाली सामग्री के नमूने भी कोई भी जो नागरिक है वो ले सकता है. इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो भी टेकन इन कंप्यूटर सीडीज एंड फ्लॉपी. कंप्यूटर सीडी या फ्लॉपी में भी सूचना ले सकता है. राइट टू नो द वे ऑफ मस्टर रोल लॉग लुक टेंडर्स प्लान्स ऑफ कैश बुक एटसेट्रा इज ऑल्सो प्रिवेलेंट. मजदूर के जो है मेस्ट्रोल लॉग बुक टेंडर के दस्तावेज कैश बुक विभाग की योजनाएँ आदि की जानकारी लेने का अधिकार भी जनता को दिया गया है. How to get information? सूचना प्राप्त करने का तरीका यानी ये जो informations के हमें अधिकार दिए गए हैं ये अधिकार हम कैसे ले सकते हैं यानी ये information अगर हमें चाहिए तो हम कैसे collect कर सकते हैं. Any citizen who wants to get some information has to apply the mentions form 10 rupees with the application form will be deposited as cash or postal order. कोई भी नागरिक जो सूचना लेना चाहता है उसे निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना पत्र देना होगा और आवेदन पत्र के साथ ₹10 का नगद पोस्टल ऑर्डर के रूप में उसे जमा करवाना होगा. अब इसमें फर्स्ट दिया गया है इफ़ द इंफॉर्मेशन इज कॉपीड फ्रॉम अ लार्ज साइज पेपर देन एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी चार्ज. कि अगर सूचना बड़े आकार के कागज़ की नकल की है तो
उसकी जो राशि है वो अलग से उसे देनी पड़ेगी। फॉर सीडीज और फ्लॉपी 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा विल बी चार्ज। सीडी या फ्लॉपी के लिए 50 रुपये जमा कराने होंगे उसे। ₹2 पर पेज फॉर द फोटोकॉपी विल बी चार्ज्ड। फोटोकॉपी जो अगर वो किसी भी डॉक्यूमेंट की लेना चाहते हैं उसे ₹2 प्रति पेज के देने होंगे। इन ऑर्डर टू सी द डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑफ RS 10 1 hour विल बी गिवन फॉर द विंग्ड रिकॉर्ड्स। आफ्टर दैट फॉर एवरी 15 मिनट और लेस देन ही विल बी पे 5 rupees। अगर हमें कहें कि रिकॉर्ड या दस्तावेज देखने के लिए 10 रुपये जमा कराने के बाद 1 घंटा निःशुल्क रिकॉर्ड देख सकते हैं और उसके बाद हर 15 मिनट या उससे कम समय के लिए 5 रुपये देने होंगे। यानी मैक्सिमम टाइम जो है आपको 1 घंटे का दिया जाता है। 1 घंटे में आप 10 रुपये के लिए 10 रुपये पे करके आप 1 घंटा जितने भी रिकॉर्ड्स देखना चाहते हो आप देख सकते हो। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखना चाहते हो तो आपको जो है 5 रुपये 15 मिनट्स के हिसाब से देने पड़ेंगे। इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन अंडर 13 डेज़। आवेदन के 30 दिन के अंदर सूचना प्राप्त कर सकता है कोई भी नागरिक। The person will be able to get information about life or freedom under 48 hours। कि हम कहें कि व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के बारे में 48 घंटे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। Assistant information officer will get and give the information under 35 days। सहायक सूचना अधिकारी 35 दिन में सूचना मंगवा कर देगा। If information is not provided in stipulated period, इट विल बी टेकन एज रिफ्यूजल टू गिव द इंफॉर्मेशन। यदि हम ये कहें कि समय अवधि के अंदर सूचना न मिलने पर सूचना देने से इनकार माना जाएगा। पेलेंटी नोटिफिकेशन और नॉट रिपोर्टिंग, सूचना नहीं देने पर जुर्माना अथवा पेलेंटी भी लगती है। यानी जैसा कि ये जो आपको 7th पॉइंट दिया गया है, जो 8th पॉइंट आपको दिया गया है कि अगर आपको सूचना नहीं मिलती है जो टाइम आपको दिया गया है उस सूचना के अंदर, अगर आप उस समय के अंदर अगर आपको सूचना नहीं दी जाती है तो वो रिफ्यूज़ल माना जाएगा। तो अगर ये रिफ्यूज़ल आपके पास में होता है, यानी आपने जो सूचना मांगी है और वो 35 डेज़ के अंदर आपको नहीं दी जाती है, तो उसके लिए नोट जो है पेलेंटी भी है। यहाँ पे पेलेंटी बताई गई है, पेलेंटी नोटिफिकेशन और नॉट रिपोर्टिंग, सूचना नहीं देने पर जुर्माना अथवा पेलेंटी भी हो सकती है। इफ़ द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट्स द एप्लीकेशन विदाउट एनी प्रॉपर रीजन और इनिशियली गिव्स फॉल्स और इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, दैन द प्रोविजन ऑफ 250 पर डे मैक्सिमम 25,000 पेनल्टी इज देयर। कि हम कहें सूचना देने वाले अधिकारी बिना किसी सही कारण के आवेदन लेने से मना करें, जानबूझकर गलत या अधूरी, या हमें कहें कि भ्रम पैदा करने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर देता है तो 250 रुपये से लेकर रोज़ाना कुल 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। द इन्फॉर्मेशन कमीशन कैन ऑल्सो रिकमेंडेड अ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है। इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी ग्रांटेड, कौन सी सूचना नहीं मिल सकती है। यानी ऊपर हमें सूचना का अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है कौन कौन सी सूचनाएं ले सकता है, लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी हैं इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी ग्रांटेड, कि जिनके लिए हमें जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। इससे पहले अगर हम बात करें तो स्टेट सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, राज्य की सुरक्षा संबंधित सूचना किसी भी नागरिक को नहीं दी जाएगी। सेकेंड, अगर हम बात करें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी साइंस एंड इकोनॉमिक अफेयर, सुरक्षा रणनीति विज्ञान और एवं आर्थिक मामलों की गोपनीय जानकारी जो है वो भी किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगी। थर्ड, अगर हम कहें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं किसी भी व्यक्ति को नहीं डिस्क्लोज की जाएंगी। इन्फॉर्मेशन ड्यू टू विच द राइट ऑफ द कोर्ट पार्लियामेंट और विधानसभा आर वॉलेटेड, जिससे हम कहें कि न्यायालय संसद या विधानसभा के अधिकार का हनन हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। फिफ्थ यहाँ पे दी गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्राइम और थ्रेट विच इज़ हार्मफुल टुवर्ड्स सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, गुप्तचर ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, अपराध या जिससे सुरक्षा को खतरा हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाई जाएंगी। यानी ऊपर ये जो 5 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, ये 5 पॉइंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो नागरिकों को नहीं दी जाती हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफिसर,
अब हम कहें कि सूचना अधिकारी कौन कौन है, तो ग्राम पंचायत में हम कहें सेक्रेटरी और ग्राम सेवक होता है, ठीक है। तो सेकंड है इसमें आपका कि इन पंचायत समिति में जो है आपके डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, विकास अधिकारी होते हैं। तीस में इन जिला परिषद की अगर हम बात करें तो इसमें आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। फोर्थ अगर हम बात करें तो जो आपकी नगर पालिका है उसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, यानी अधिशासी जो अधिकारी होते हैं। फिफ्थ अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन बीइंग गिवन एड बाय द स्टेट गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये होंगे। सिक्स अगर हम बात करें एंड इन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर यानी कुल सचिव जो होंगे वो जानकारी दे सकते हैं आपको। सेवन द सीनियर ऑफिसर अंडर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राज्य विभाग के विभागाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठतम जो भी अधिकारी होंगे वो आपको सूचना दे सकते हैं। एट नंबर पे अगर हम बात करें जो है आपका इन द गवर्नमेंट सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म डेवलपमेंट, यानी शासन सचिवालय में जो है सचिव प्रशासन सुधार विभाग जो वो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अपील टाइम जो है आप जो है अपील का समय क्या कर सकते हैं, द फर्स्ट अपील कैन बी मेड बिफोर द हाई कोर्ट ऑफिस अंडर 30 डेज ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी से सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर उच्च अधिकारी का के अधिकारी के समक्ष हम कहें कि प्रथम अपील की जा सकती है। अपीलेट ऑफिसर जो होंगे आपके अपील अधिकारी कौन होंगे, तो द ग्राम सेवक अपील टू द सरपंच, कि ग्राम सेवक की अपील सरपंच को। डेवलपमेंट ऑफिसर अपील टू प्रधान, किसी विकास अधिकारी की जो अपील है वो आप प्रधान को करनी है। और एडिशनल कलेक्टर्स अपील टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर की जो अपील है वो जिला कलेक्टर को करनी है। फिर इन द फर्स्ट हियरिंग इज नॉट हेल्ड अंडर 30 डेज देन द सेकंड अपील कैन बी मेड टू द स्टेट इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी, 30 दिन में सुनवाई नहीं होने पर दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग को करनी होगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा कि एज ए कस्टमर हमारे पास में क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या राइट्स को हम फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से जो लीगल अवेयरनेस है वो एक कस्टमर के पास में होनी चाहिए, क्या क्या राइट्स हमारे पास में हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने मार्केटिंग को और भी सॉलिड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई